जिला मुख्यालय भिनगा स्थित जिला पंचायत सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन श्रावस्ती के द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल रहे तथा द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक मीणा रहे। कार्यक्रम का शुरुआत दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती के सामने माल्यार्पण करके किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने पत्रकारिता को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में करने की बात कही। इस अवसर पर शुक्ल ने अपने शायर भरे अंदाज में कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिससे सभागार में बैठे पत्रकार व प्रबुद्ध लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पुलिस अधीक्षक की पंक्तियों का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अपने चंद शब्दों में कहा कि पत्रकार ही अपनी कलम से जन समस्याओं को उजागर करता है व क्षेत्र की समस्याओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित करके शासन प्रशासन तक पहुंचाता है, जिससे उन समस्याओं पर काम करके उनका निराकरण किया जाता है। पत्रकार ही ऐसा वर्ग है जो समाज के हित में सही दिशा दे सकता है। आप जो लिखते हैं उसको जनमानस सही मानते हैं, इसलिए श्रावस्ती जिले के विकास के लिए उन समस्याओं को उजागर करने की जरूरत है जो शासन प्रशासन तक पहुंचकर मील का पत्थर साबित हो सके। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस एन सिंह रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक परशुराम त्रिपाठी ने श्वेत पत्रकारिता से बचने की बात कही। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शंकर दयाल पांडे ने ऐसे आयोजनों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन दिवाकर पांडे ने किया। पत्रकार सम्मेलन में मधुकर की सातवीं पुस्तक लतिकाएं का विमोचन पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने किया। सम्मेलन में ग्रामीण पत्रकार के संरक्षक जी पी मिश्र, मधुकर जिलाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता, मंत्री सत्यनारायण शर्मा, बलरामपुर से हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक कमलेश तिवारी, राजीव टंडन, मदन सिंह, अनिल मिश्रा, प्रदीप गुप्ता, राम प्रताप वर्मा, पवन शुक्ल, ओंकार नाथ आदि लोग मौजूद रहे।